हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन टू आवर विद्या विहार फैमिली। सो वी आर बैक अगेन विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द डे दैट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर। तो आज जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो 24 अगस्त 2020 का रहने वाला है, क्योंकि वीकेंड को हमारा यानी संडे को हमारा कोई लेक्चर नहीं आता। सो आज हम लोग संडे और सैटरडे से रिलेटेड जितने भी न्यूज होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबको कवर करते हैं। सो आपको पता है हमारा डेली लेक्चर का ट्रेंड जो चलता है, फर्स्ट एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर, उसके बाद द हिंदू एडिटोरियल बुक है, उसके बाद सबसे लास्ट आता है डेली करंट अफेयर्स। सो और ये आपके सारे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अर्जुन मुंडा जी के द्वारा ट्राइबल इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया था। आपको बताना है कि उद्घाटन किस जगह पे किया गया है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो ये जो उद्घाटन किया गया है मुंबई में किया गया है, और ये अर्जुन मुंडा जी क्या है, हमारे ट्राइबल मिनिस्टर है। ट्राइबल मिनिस्टर जी के द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है, और ये ट्राइब्स इंडिया शोरूम का मेन काम क्या है, चलिए वो काम देख लेते हैं। ठीक है, यहां जो है 50 लाख ट्राइबल आर्टिसियंस एंड फॉरेस्ट गैदर्स, मतलब कि जो जंगल से जो जो सामान मिलते हैं उसको फॉरेस्ट RERS, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, गैदर्स मतलब कि यहाँ पे 50 लाख से ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा बनाए गए कुछ एक चीज जिसको आप आर्टिसन बोलते हो, और जो फॉरेस्ट गैदर जो जंगल से एकत्रित किए जाते हैं उन सब चीजों का यहाँ पर एक जमापड़ा लगाया जाएगा, एक शोरूम खोला गया है। उस शोरूम खोला गया मुंबई में हमारे ट्राइबल मिनिस्टर जी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस क्रिकेटर को चुना गया, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्रिकेटर पूछा गया है, आपको क्रिकेटर का नाम लेना है। आपको पता होना चाहिए कि इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए 5 लोगों को नॉमिनेट किया गया है, सॉरी 5 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, जिसको अभी तक मिला नहीं है, बट 29 अगस्त को प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें सम्मान मिलेगा। तो ऑप्शन आपके पास सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली। तो क्रिकेटर जो उनमें से एक हैं वो हैं रोहित शर्मा जी, जिनको 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं सचिन तेंदुलकर जी को, 1997-98 में काफी अच्छे परफॉर्मेंस के लिए मिला था। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जी को मिला था 2007 में, रोहित शर्मा को तो आपको मिल रहा है पता है 2020 में मिल रहा है, और विराट कोहली को मिला था 2018 में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है क्या। तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया का, यानी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार आप इसको बोल सकते हो। ये आपको स्टार्ट कब किया गया था, स्टार्ट किया गया था 1991 और 1992 में, और फर्स्ट बार इसका विनर कौन थे, विश्वनाथन आनंद इसके फर्स्ट विनर थे, ये चेस के गॉडफादर बोले जाते हैं विश्वनाथन आनंद जी। ये हो गया इंडिया का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार। अब वर्ल्ड का अगर सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार आपको बोला जाए, या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड सबसे बड़ा वर्ल्ड का पुरस्कार बोला जाए, तो वो होता है आपका लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। ये होता है आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा खेल से रिलेटेड जो पुरस्कार होता है। तो आपका बैकग्राउंड में जाकर सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर है। चलिए एक चीज और देख लेते हैं कि रोहित शर्मा के साथ और बाकी किन लोगों को इस बार खेल रत्न पुरस्कार मिल रहा है। तो मरियप्पन को मिल रहा है, मरियप्पन को, जो कि एक पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट। उनके बाद मिल रहा है मनिका बत्रा जी को मिल रहा है, जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है। उसके बाद विनेश फोगाट, फोगाट सिस्टर में से एक विनेश फोगाट को मिल रहा है कुश्ती के लिए, रेसलिंग जिसको आप बोल सकते हो। और फिर रानी रामपाल इनको मिल रहा है हॉकी के लिए, ये इंडिया हॉकी टीम की कैप्टन भी, और ये फ्लैग बियरर भी थी किसी इवेंट की, काफी बड़े इवेंट की ये फ्लैग बियरर थी। आपको बताना है कि वो कौन सा इवेंट है, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि वो कौन सा इवेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में लघु फिल्म प्रतियोगिता यानी कि पेट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट को आयोजित कराया गया था। मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आप लोगों को दिया था कि आपका आयोजित कराया जा रहा है, आप लोग भी अपना कुछ ना कुछ पोस्ट कर सकते हो।
अब आपको बताना है कि इसमें जो फर्स्ट प्राइज मिला है वो किसको मिला है, यानी कि हाल ही में किस फिल्म ने ऑनलाइन पेट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट में प्रथम पुरस्कार जीता है। और ये जो अरेंज कराया गया था, पहले वो जान लेते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा अरेंज कराया गया था, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा इसको अरेंज कराया गया था। ऑप्शन है अब इंडिया बनेगा भारत, 10 रुपीज, MI या फिर नन ऑफ द एवन। तो इसमें जो फर्स्ट पुरस्कार जीता गया है MI के द्वारा जीता गया है, जिसके डायरेक्टर हैं अभिजीत पॉल जी, अभिजीत पॉल। और अवार्ड दिया गया है इनमें 1 लाख का। उसके बाद सेकेंड प्राइज पे आते हैं। सेकेंड प्राइज जीता है अब इंडिया बनेगा भारत मूवी ने, जिसके डायरेक्टर हैं देव जो संजीव। एवार्ड इनको दिया गया है 50,000 रुपीज। और थर्ड प्राइज जीता है 10 रुपये ने, इसके आप बोल सकते हो डायरेक्टर कौन है, युवराज गोकुल। और इन्हें अवार्ड के रूप में 25,000 रुपीज दिया जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जो कि हमारे प्रकाश जावेडकर जी के हाथ में अभी है, प्रकाश जावेडकर जी। ये मिनिस्ट्री थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कोरोना फाइटर नामक गेम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मैंने ये कल ही न्यूज में डिस्कस किया था, जल्दी से बताइए किसके द्वारा लॉन्च किया गया। हर्षवर्धन, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये लॉन्च जो किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया है। और ये कोरोना फाइटर्स गेम के साथ साथ इन्होंने कोविड कथा, मौसम ऐप, ये सारी चीजों को हाल ही में लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमन जी के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है, NIP ऑनलाइन डैशबोर्ड, ये लगभग पर डे आप लोगों का रिपीट हो रहा है। राजनाथ सिंह के द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह, ये भी पर डे रिपीट हो रहा है, मैं कितना लिखूं। और नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा कृषि मेघ हैदराबाद में जो स्टैब्लिश किया गया, लॉन्च किया गया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। भारत ने हाल ही फिलहाल में एक मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया। तो आपको बताना है कि वो कौन सा मिसाइल है, GSAT-31, ब्रह्मोस, कार्टोसैट, पिनाका, पिनाका Mk-3, यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। ये किया गया है Pinaka Mk-3 का, Pinaka Mk-3 का भी हाल फिलहाल में ही इसका परीक्षण किया गया। ऑलरेडी Mk-1 Mk-2 का परीक्षण कर लिया गया था, ये Mk-3 है। तो इसके बारे में चलते हैं, देखते हैं पहले इसका जो Mk-1 और Mk-2 का आप बोल सकते हो मारक क्षमता जो था वो काफी कम था। इसका बोल सकते हो कि 45 किलोमीटर तक ही पहले मारक क्षमता था, बट वह Mk-3 का जो मारक क्षमता है 120 किलोमीटर, यानी 120 किलोमीटर दूर तक जाके भी ये मार कर सकता है, ये इसका मारक क्षमता है। और ये पिनाका क्या है कि मल्टी मल्टी बैरल, इसको आप लिख लो, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ये एक रॉकेट लॉन्चर है, ये लॉन्च करता है रॉकेट को। और इस बार सबसे बड़ा खास क्या हुआ इसके साथ, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, EEL इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इसके द्वारा फर्स्ट बार इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। फर्स्ट टाइम किसी प्राइवेट कंपनी ने किसी मिसाइल को मैन्युफैक्चर किया है, और इसे लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा। और कहाँ लॉन्च किया गया है, पोखरण में, इसका टेस्टिंग जो हुआ है पोखरण में DRDO के द्वारा इसे सफलतापूर्वक कर लिया गया। चलिए GSAT का सबसे पहला परीक्षण किसने किया था, इसरो में। ब्रह्मोस का DRDO ने उड़ीसा में किया था। कार्टोसैट का भी इसरो ने ही किया था, कहाँ किया था, ये श्रीहरिकोटा से किया था, श्रीहरिकोटा। मैं थोड़ा थोड़ा नाम भी बताते आ रहा हूँ। GSAT का इसरो ने किया था फ्रेंच गुयाना से। ब्रह्मोस का DRDO ने किया था उड़ीसा से। चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज की ओर। हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनी, यानी इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, वाल्टर रॉजर मार्टोस, फ्रांसिस्को असू, हिचमे माचिची या मार्क फिलिप्स। तो ये जो चुना गया है फ्रांसिस्को असू को चुना गया है इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए मैप में मैं आपको थोड़ा सा शेयर कराता हूँ इक्वेटोरियल गिनी का। ये है हमारा प्यारा भारत। चलिए आ जाते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये रहा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और ये रहा आपका देश,
ये रहा इक्वेटोरियल गिनिया जो कि न्यूज में है अभी हाल फिलहाल में। तो आप देख सकते हो नेबरिंग स्टेट कौन सा है, कैमरून, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बस ये दो इसकी नेबरिंग कंट्री है। और दूसरी साइड इधर अटलांटिक ओशियन है आपका, देख लिया आपने न्यूज में। फिर से एक बार जूम आउट करके मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आप चलोगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तो ये आ गया, और इकलौती कॉन्टिनेंट जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और फिर इक्वेटोरियल लाइन तीनों चीज पास होता है, इक्वेटर पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ही इकलौती ऐसी कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों चीज पास होता है। तो मैंने तो ये बता दिया, अब चलिए इन सब नामों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं के प्रधानमंत्री सेलेक्ट किए गए हैं। तो वाल्टर रोजर मार्टोस जो किए गए हैं पेरू के प्रधानमंत्री किए गए हैं, हिचमे माचिची जो किए गए हैं ट्यूनिशिया के किए गए हैं, ट्यूनिशिया के हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री से नियुक्त किए गए हैं, मार्क फिलिप्स किए गए हैं गुयाना का। अब हिंदी में नाम लिख दीजिए, शायद मेरा स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो सकता है। ये भी है गुयाना के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ऑप्शन है आपके पास राजीव कुमार, अशोक लवासा, सुशील चंद्र, सुनील अरोड़ा। तो ये हाल फिलहाल में बने हैं राजीव अरोड़ा जी, ये 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, ये झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। मैंने कुछ दिन पहले न्यूज डिस्कस किया था कि अशोक लवासा जी इलेक्शन कमिश्नर पोस्ट से इस्तीफा देना चाहते थे, उनका रिजिग्नेशन को प्रेसिडेंट द्वारा स्वीकार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो एडीवी के न्यू वाइस प्रेसिडेंट बनकर गए हैं, तो उनके जगह पे किसी न किसी को तो रिप्लेस करना था, तो वो रिप्लेस किया गया राजीव कुमार जी को। चलिए और देख लेते हैं अभी हाल फिलहाल में सुशील चंद्र जी जो हैं ये सेकेंड इलेक्शन कमिश्नर हैं, सेकेंड इलेक्शन कमिश्नर हैं। और सुनील अरोड़ा जी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर और ये सेकेंड इलेक्शन कमिश्नर। ये पूरा हो गया आपका इलेक्शन कमीशन का डिटेल्स। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंपनी हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम फॉर द टोक्यो ओलंपिक 2021, यानी 2020 के लिए किस कंपनी को भारतीय टीम के प्रायोजक के रूप में चुना गया है। ऑप्शन आपके पास है, काफी सारे ऑप्शन है और बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इन सारे ऑप्शन को डिस्कस किया है। जीम 11 सबसे पहला ऑप्शन, आइनॉक्स ग्रुप, बायजोस या फिर ओप्पो। तो इसका जो ऑप्शन होगा आइनॉक्स ग्रुप होगा। जीम 11 क्या था, आईपीएल का स्पॉन्सरशिप इसने जीता था, तभी आइनॉक्स ने जीता है टोक्यो ओलंपिक का स्पॉन्सरशिप। और ये आइनॉक्स ग्रुप को फॉर्म किया गया था 1999 में, अभी इसके सीईओ हैं आलोक टंडन जी। और ये किस चीज की कंपनी है, डायरेक्टर भी देख लीजिए, इसके डायरेक्टर कौन है। अभी डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ जैन, सिद्धार्थ जैन जी। और ये बिजनेस करती है इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल गैसेस, इंडस्ट्रियल गैसेस, रेफ्रिजरेंट या फिर केमिकल से रिलेटेड जो बिजनेस करती है वो ये आयनोक्स ग्रुप करती है। और टोक्यो ओलंपिक से मैं क्या बताऊँ, टोक्यो ओलंपिक का सबसे पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में, एथेंस में ये ओलंपिक हुआ था। और इस बार 2021 में कहाँ होने वाला है, टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो में होने वाला ये ओलंपिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हु हैज लॉन्च कोरम जॉब्स टू हेल्प पीपल इन इंडिया फाइंड जॉब्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में लोगों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए कोरम जॉब्स की शुरुआत किसने की। ऑप्शन है आपके पास गूगल, फेसबुक, डेल या फिर ओरेकल। तो ये किया गया है गूगल के द्वारा। गूगल का स्थापना कब हुआ था, 1998 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया में। मैंने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में बताया था, दो दिन पहले मैंने इसके बारे में क्या बताया था कि बाढ़ से लोगों को पहले अलर्ट भेजने का काम जो करेगी वो गूगल ही करेगी, उसमें भी गूगल का ही साथ लिया गया भारत सरकार के द्वारा। और ये आप अब न्यूज की ओर चल जाते हैं, थोड़ा सा फेसबुक देख लेते हैं कि फेसबुक अभी हाल फिलहाल में क्यों न्यूज में है। फेसबुक में अभी हेट स्पीच को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है फेसबुक के पे कि इंडिया में भाजपा के मेंबर, अगर भाजपा कोई इंडिविजुअल जो है उससे रिलेटेड अगर कोई हेड स्पीच पोस्ट करता है तो उसको फेसबुक के द्वारा डिलीट नहीं किया जाता, बाकी सब के द्वारा फेसबुक के द्वारा बाकी सारे हेड स्पीच को डिलीट कर दिया जाता है, इसलिए काफ़ी अभी न्यूज़ में है। और डेल के द्वारा, डेल का नीति आयोग के साथ मिलकर कुछ लॉन्च किया गया था, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, वो लॉन्च किया गया था SCP 2.0, यानी स्टूडेंट इंटरप्रेनरशिप प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया गया था। ओरेकल का भी नीति आयोग के साथ मिलकर क्या किया गया था,
ओरेकल को नीति आयोग के द्वारा सेलेक्ट किया गया था कि टू मॉडर्नाइज आईटी इंफ्रा इन 112 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एज पार्ट्स ऑफ इट्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कि नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके तहत ओरेकल को सेलेक्ट किया गया था नीति आयोग को, जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को 112 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में मॉडर्नाइज करने का काम ये ओरेकल के द्वारा किया जाएगा। और हाँ, ये जो पोर्टल बनाया गया है कोरम जॉब्स, इसमें अभी मोर देन 21 लाख से ज़्यादा जॉब ऑलरेडी अवेलेबल है और 2 दिन में 10 लाख से अधिक लोगों ने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। आप सोच सकते हो जॉब की कितनी खस्ता हालत इंडिया में भी बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है कि अभी हाल फिलहाल में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का लिस्ट जारी किया गया है, तो आपको बताना है कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर की श्रेणी में स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में पहला स्थान किस शहर को मिला। ऑप्शन आपके पास जालंधर, इंदौर, कानपुर या फिर वाराणसी। तो ये मिला है वाराणसी। आप देख सकते हो इन सब में से सबसे आसान है कि गंगा नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ शहर है, तो वो है वाराणसी। तो ऑब्वियस यहाँ से वाराणसी इसका आंसर होगा। अब देखते हैं जालंधर क्यों ऑप्शन है। कैंटोनमेंट जोन मैंने कल भी डिस्कस किया था, फर्स्ट रैंक है इसका कैंटोनमेंट जोन में। इंदौर जो है सबसे स्वच्छ सिटी के नाम रूप में आया है, चौथी बार ये आया है। कानपुर गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर में ये कानपुर फर्स्ट पे आया हुआ है। और अगर मैं गंगा नदी की बात करूं तो इसकी टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर और ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जो है इस बार इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 2016 में। और इंदौर जो है पिछले 4 बार से कंजिक्यूटिवली सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीत रहा है। तो यहाँ पे आज का डिस्कशन खत्म हो रहा है। हम लोग ठीक इसके बाद मिलेंगे द हिंदू एडिटोरियल वोकैब के साथ। आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रहा है इसको प्रिपेयर करने। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और अच्छे से इसको काम को अंजाम दे पाएंगे। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।